स्वागत आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और जानेंगे आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है और आगे जाके कितनी ठंड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अभी ताजा खबर निकल के सामने आई है कि इस बार की जो ठंड होगी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी और इस बार कड़ाके की ठंड रह सकती है। तो तैयार रहिएगा इस ठंड के लिए। जान लेते हैं पूरी खबर को। तो उत्तर भारत में हवा का रुख बदलने लगा है। सुबह और शाम में मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। भारत में सर्दियों की शुरुआत शरद पूर्णिमा के बाद से मानी जाती है। ऐसे में इस बार कितनी ठंड पड़ेगी इसका एक अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के एक अनुमान के मुताबिक इस साल देश में ठंड ज्यादा ठिठुरन पैदा करने वाली होगी। इस बार की ठंड पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा तेज होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। देश के उत्तरी इलाकों में पारा अगले दो दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिल्ली में अगले सप्ताह तक तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान भी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे और भी ज्यादा ठंड का एहसास होगा। यह अनुमान सुदूर प्रशांत महासागर में हुए मौसम के बदलावों की वजह से लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अपनी भाषा में इस बदलाव को ला नीना प्रभाव बता रहे हैं। मौसम विभाग की इस स्थिति के लिए ला नीना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रशांत क्षेत्र में ला नीना उभर रहा है। आमतौर पर इसका अर्थ है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का सामान्य से कम रहेगा। इसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार पर दिख सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम से में असामान्य परिवर्तन नहीं है। अक्टूबर के आखिरी में ठंड दस्तक दे सकती है। वहीं पिछले महीने दक्षिण और उत्तर भारत के राज्य में तेज बारिश और आंधी हुई, जिससे मौसम में अचानक बदलाव भी देखने को मिला। वहीं अब सर्दी पिछले साल की तुलना में पहले दस्तक दे रही है। मौसम विभाग IMD ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान में तेजी से कमी आ सकती है। इससे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में ठंड तेज हो जाएगी। तो यानी कि इस बार की ठंड ज़्यादा तेज होने वाली है पिछले साल के मुकाबले। राजस्थान हुआ, आपका बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पर ला नीना का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज़्यादा रह सकती है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में जो पारा है वो लगभग 3 डिग्री तक नीचे में गिर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ठंडी हवाएं चलेंगी उसका असर दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तो गर्म कपड़े निकाल लीजिए, शॉल निकाल लीजिए और ठंड के लिए तैयार रहें। फिलहाल वेदर अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।